देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कार्यालय में जनता दरबार लगाया है, जिसमें लगभग 77 शिकायतें आई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अधिकतर शिकायत बरसात के सीजन के चलते घरों में पानी आने और दीवारें टूटने की हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें जमीन से जुड़ी हुई भी हैं, जिसमें अवैध अतिक्रमण भी शामिल है। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायत को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बारिश से नुकसान होने पर टीम को तत्काल पहुंचने और तत्काल मुआवजा दिलाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और काफ़ी जगह पे पानी भरने की समस्या हो जाती है, तो जैसे कल भी हुआ था, तो हमारी टीम मौके पे तत्काल पहुंची। एक तो ये इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, और जो भी डैमेज हुआ उसका असेसमेंट करके तत्काल जो मुआवजा अगर बनता है कोई नियम अनुसार तो उसको दे दिया जाए। ये बिल्कुल क्लियर का इंस्ट्रक्शन है हमारे पटवारी, तहसीलदार और SDMs को।